الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس اور جب بنایا ہم نے اپنے گھر کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ وَأَمْنَا اور امن کی جگہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى اور حکم دیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو ان طہرا بیتی للطائفین یہ کہ وہ پاک رکھے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین والرکع السجود اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے آمنت باللہ وبآیاتہ
मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, गुज़श्ता जुम्मा में बैतुल्ला की तामीर के बारे में और उसके असल आलम, मरकज आलम और वस्त आलम होने के बारे में गुजारिशात कर दी थी कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने इस ज़मीन के अंदर बैतुल्ला की जगह को बनाया और फिर बैतुल्ला की इस जगह से पूरी सरजमीन को चारों तरफ फैलाया गया। फरिश्तों के ज़रिए से बैतुल्ला की बुनियादें खुदवाई और भरवाई गईं और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्ला की कुर्सी बनाई और उसके ऊपर जन्नत से लाया गया खेमा ताना गया। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक बाकी रहा और तूफान नूह में फिर उस सुर्ख याकूत के खेमा को उठा लिया गया और बैतुल्ला की बुनियादें रेत के अंदर दब गई और फिर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिल करके उस मकाम की खुदाई की और नीचे से बुनियादें ज़ाहिर होने पर उन्हीं बुनियादों के ऊपर बैतुल्लाह की तामीर शुरू फरमाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस तामीर के बाद जब इसमें शिकस्त और रेख्त हुई तो कबीला जुर्हम के लोगों ने दोबारा इसकी तामीर की। फिर उसके बाद कुछ अरसा गुजरा, इस ज़माने के बाद कौम अमालका ने इसकी तामीर की। फिर एक ज़माना गुजरने के बाद कुसई इब्ने कलाब ने इसकी तामीर की और इसकी छत लकड़ियों की डाली। फिर एक ज़माना गुजरा जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का ज़माना। बाज़ रवायात के मुताबिक तकरीबन 25 साल की उम्र थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कि शदीद सैलाब आया और जो हज़रात वहाँ तशरीफ़ ले गए जानते हैं कि बैतुल्ला और हरम जो है वो नशीबी जगह में है, चारों तरफ पहाड़ हैं। तो सैलाब की वजह से इस इमारत को नुकसान पहुंचा। जो मिसाला था, जो गारा था, वो ख़त्म हो गया और सिर्फ पत्थर ऊपर नीचे रह गए। तो कुरैश ने अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इस तामीर को, जिसमें पहले सिर्फ मरम्मत होती रही थी, उसको गिरा करके असर नू इसकी तामीर करना चाहिए और इस मकसद के लिए उन्होंने चंदा जमा किया और ये आहद किया कि चूंकि ये अल्लाह का घर है तो इसलिए इसकी तामीर के अंदर कोई मशकूक माल जो है वो नहीं लगाया जाएगा।
वो लोग चोरियां भी करते थे, डकैतियां भी मारते थे, सूद सट्टा का कारोबार भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये आहद किया कि ये अल्लाह का घर है, लिहाजा इसकी तामीर के अंदर जो माल लगाया जाए वो चोरी का नहीं होना चाहिए, वो सूद का नहीं होना चाहिए, वो बेवाओं का नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ हलाल माल हो, जो हलाल जराए से हम कमाएं, तिजारत का माल या ज़राअत का माल जो इस रास्ते से हम कमाएंगे वो लगाएंगे। चुनाची उन्होंने चंदा जमा किया और तखमीना लगाया तो उन बुनियादों के ऊपर बैतुल्लाह की तामीर नहीं हो सकती थी जिन बुनियादों पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर की। इसलिए उन्होंने खतीम का हिस्सा बाहर निकाल दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तामीर की थी तो जो मशरकी दीवार है, जिस तरफ दरवाजा है, चौड़ाई के अंदर ये 33 गज थी और मगरबी किनारा पीछे वाला 31 गज, और हजरत असद वाली जो साइड है ये 20 गज थी और खतीम वाली साइड 22 गज। तो इन्होंने जो खतीम का हिस्सा है वो उसमें से निकाल दी और हलाल माल से उसकी तामीर की। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिन बुनियादों के ऊपर जिस तरीके से तामीर की थी उसमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर रद्द बदल कर दिया। खतीम का हिस्सा बाहर निकाल दिया जहाँ पर इस्माईल अलैहिस्सलाम की और अम्मा हाजरा की कब्रें हैं, और जिस तरफ परनाला है, मीज़ाब रहमत है, ये बैतुल्लाह का अंदरूनी हिस्सा है। इसलिए फरमाया कि वहाँ पर इबादत करना, दुआएं मांगना वो अल्लाह की हाँ मकबूल होती है, और वहाँ नमाज पढ़ना ऐसा ही है जैसे बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ना। तो एक तो ये हिस्सा निकाल लिया, दूसरा उन्होंने जो बैतुल्लाह का दरवाज़ा है उसको 2 गज ज़मीन से ऊपर कर दिया ताकि बैतुल्लाह के अंदर जो दाखिल हो तो वो हमारी मर्ज़ी से दाखिल हो, कोई आदमी हमारी मर्ज़ी के बग़ैर बैतुल्लाह के अंदर दाखिल ना हो सके। और फिर जहाँ इस वक्त मकाम इब्राहीम है और खतीम का हिस्सा है, इस कोने की तरफ से एक सीढ़ी भी लगा दी बैतुल्लाह की छत के ऊपर जाने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीवारें 9 गज तक उठाई थी, इन्होंने उसको भी ज्यादा कर दिया, बुलंद कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने तामीर की। और जब हजरे अस्वद को रखने का वक़्त आया तो इख्तिलाफ पड़ गया कबाइल के अंदर, हर एक सरदार की ये ख्वाहिश थी कि हजरे अस्वद में नस्ल करूं। तो इसकी वजह से इख्तिलाफ हुआ और इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस बात पे फैसला हुआ कि कल सुबह के वक़्त इस सीढ़ी की तरफ से, इस गली से जो भी आदमी सबसे पहले आएगा वो हमारा फैसला करे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन सबसे पहले उस गली की तरफ से नमूदार हुए तो सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम बनाया और कहा कि सादिक और अमीन आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से फैसला फरमाया कि एक चादर बिछाई और दस्ते मुबारक के साथ हजरे अस्वद को उठा करके उस चादर के अंदर रखा और तमाम कबाइल के सरदारों को हुक्म दिया कि इस चादर को चारों तरफ से सब मिल करके पकड़ें और इस पत्थर को उठा करके उस तरफ ले जाएं जहां पर हजरे अस्वद को फिट करना है। चुनाचे तमाम सरदारों ने पत्थर को उठाया मिल करके चादर के जरिए,
और जब वहाँ पर ले गए तो सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्त मुबारक से हजरत अस्वद को उठाया और उस जगह पर रख दिया। इस तरह बहुत बड़ा कताल, बहुत बड़ी लड़ाई जो उनके दरमियान में होने वाली थी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फैसले से, हिकमत अमली से वो ख़त्म हो गई। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा जी ये चाहता है कि मैं बैतुल्लाह को गिरा करके उन्हीं बुनियादों के ऊपर इसकी दोबारा तामीर कर दूँ जिन बुनियादों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर की, इसके दरवाजे को नीचे ले आऊँ ज़मीन की सतह के ऊपर और इसके दो दरवाजे बना दूँ, एक तरफ से लोग दाखिल हों दूसरी तरफ से लोग बाहर निकलें और जो खतीम का हिस्सा है इसे भी बैतुल्लाह के अंदर दाखिल कर दें। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला जब वो खलीफा बने, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे थे, उन्होंने हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश सुनी तो उन्होंने बैतुल्लाह को गिरा करके इब्राहिमी बुनियादों के ऊपर बनाया और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक दो दरवाजे बना दिए और दरवाजे को ज़मीन की सतह के ऊपर ले आए। लेकिन उसके बाद जब हजाज इब्ने यूसुफ आया तो उसने अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस तामीर को फिर गिरा करके दोबारा कुरैश की उन्हीं बुनियादों के ऊपर उसी तरीके से दोबारा बैतुल्लाह की तामीर की और दो गज दरवाजे को ऊपर उठा करके बैतुल्लाह के अंदर का जो हिस्सा है उसको भर दिया। फिर उसके बाद जब बनू अब्बास का ज़माना आया, खलीफा हारून रशीद ने ये चाहा कि मैं इसको फिर गिरा करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस तरह तामीर किया था उसी तरह तामीर कर ली। लेकिन उलमा ने मना कर दिया कि अगर इसी तरीके से हर एक हुक्मरान बैतुल्लाह को बनाता और गिराता रहा तो ये तो एक खिलौना बन जाए, लिहाजा जिस तरह है इसी तरह से छोड़ा जाए। तो उसके बाद फरमाया कि सिर्फ मुरम्मत का काम जो है वो बाकी रहा और उन्हीं बुनियादों के ऊपर जो है बैतुल्लाह को छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि मुराद सुल्तान मुराद वाली तुर्की जो थे उसके ज़माने में जब इसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई तो उसने फिर दोबारा इसकी तामीर की और संगमरमर का फर्श जेब लगाया, दीवारों के अंदर संगमरमर लगाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वह जालनल बैता मसाबतल लिन्नास वामन, कि हमने अपने इस घर को लोगों के रुजू होने की जगह बनाया, लोगों के जमा होने की जगह बनाया, कि जो आदमी एक मरतबा हज के लिए जाता है उम्रे के लिए जाता है तो जिस जज्बे के साथ जिस शौक के साथ पहली मरतबा जाता है तो फिर उसका वो जज्बा उसका वो शौक पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है और बार बार जी ये चाहता है कि मैं बैतुल्लाह जाऊँ उम्रा करूँ तवाफ़ करूँ। तो जो एक मरतबा जाता है वो फिर बार बार जाने की ख्वाहिश करता है तमन्ना करता है। तो फरमाया कि ये क्या है मसाबतन लिन्ना, इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों के अंदर इस घर की तरफ बार बार जाने की आरजू और तमन्ना पैदा कर दी। दुनिया के अंदर कोई ऐसा मकाम नहीं है कि जहाँ इंसान सैर व सियाहत के लिए जाए, बेहतरीन से बेहतरीन सीनरी हो, लेकिन चंद दफ़ा जाता है दो चार दफ़ा जी भर जाता है। लेकिन बैतुल्लाह हमें ऐसा मकाम है कि जहाँ इंसान जितनी ज़्यादा जाएगा इतनी उसकी तमन्ना उसकी आरजू बढ़ती जाएगी, उसकी ख्वाहिश बढ़ती जाएगी कि मैं फिर आऊँ। हालांकि वहाँ जाना भी आसान नहीं
और वहाँ पर शेर व सियाहत का भी कोई मकाम नहीं, बल्कि मुशक्कत के साथ इंसान को आमाल करने पड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब इंसानों के दिलों के अंदर आरजू और ख्वाहिश पैदा होती है, उसकी वजह ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, वजाल अफ़ीदतन मिनन्नास तहवी इलैहिम, ए अल्लाह लोगों के दिलों को तू अपने इस घर की तरफ फेर दे, कि वो तेरे इस घर की ज़ियारत के लिए आए और यहाँ आकर के हज और उमरा करें, तवाफ करें। एक तो फरमाए वजह ये है, दूसरी वजह मसाबत लिलना, लोगों की बार बार जाने, लोगों के रुजू होने और वहाँ जमा होने की ये है कि ये असले आलम है और हमारे सब की पैदाइश जो है मिट्टी से हुई, ज़मीन की इब्तिदा यहाँ से हुई, तो ये मरकज है, असल है। और कुल सही मेर जो इला असली, हर एक चीज़ जो अपना मरकज होता है उसकी तरफ रुजू करती है। तो फितरती तौर पर इंसान के अंदर ये जज्बा मौजूद है कि वो अपने मरकज की तरफ रुजू करे, इस वजह से बार बार जाता है। तीसरी वजह मसाबत लिलना ये है कि अल्लाह ने इसको मरकज बना दिया इबादत के अंदर भी, कि हम इबादत में इस घर की तरफ रुख करते हैं और इस घर की तरफ रुख करने की वजह से हर एक इंसान के दिल के अंदर अल्लाह ने वो इहतराम पैदा कर दिया है, वो हुरमत पैदा कर दी, वो तकद्दस और अजमत पैदा कर दी, कि हर एक मुसलमान का जीन चाहता है कि मैं इसकी तरफ जाऊँ, इसकी ज़ियारत करूँ। और इसी तरह मसाबत लिन्नास का दूसरा माना फरमाया ये कि जो आदमी वहाँ जाता है तो उसके अजर और सवाब के अंदर भी इजाफा कर दिया जाता है, कि एक नमाज वहाँ पर अदा करने का अजर और सवाब जो है वो 100,000 नमाजों के बराबर। तो दीनी एतबार से भी फवायद हैं, दुनियावी एतबार से फवायद और उखरवी एतबार से फवायद हैं, कि जिसकी वजह से इंसान जो है जब वहाँ जाता है तो किसी तरह भी महरूम नहीं रहता, दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से। इसलिए फरमाया कि जब आदमी बैतुल्लाह के पास जा कर के तवाफ़ करता है और तवाफ करने के लिए कदम उठाता है तो हर एक कदम के उठाने के ऊपर अल्लाह 500 नेकियों उसके नामे आमाल के अंदर लिखते हैं और हर एक कदम रखने के ऊपर 500 गुना जो हैं उसके नामे आमाल से मिटा दिए जाते हैं। सुभानक अल्लाहु व हमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अली ज़ाति अज़ीम सिफ़ाति समी सिमाति कबीर शान جليل القدر في ذكر مطاع الأمر جلي البرهان صحيح من اسم عزيز الإذن وفي الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يمين من إحسان سري الحساب شديد العقاب يلي من عذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنوط بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن سنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم البدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين ودعوه فإن ربكم مجيب الداعين
واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من آيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى قام الحياء وناشر القرآن الشهيد المصدوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر من الهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وعلى جميع الصحابة والتابعين